हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिनिश प्रीमियर लीग T20 का जो सेकंड मैच खेला जाने वाला है सीरीज का, उसके बारे में। दोस्तों अपन SKK और GHG के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं, वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि लास्ट जो मैच का वीडियो गया था बहुत ही अच्छा गया था। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ग्रैंड लीग भी विन करी थी, जो स्टेट्स वगैरह जो रिकॉर्ड्स वगैरह मुझे दिखाए थे बहुत ज़्यादा काम में है उनके, और बहुत अच्छी अच्छी टीम बना के बहुत से लोगों ने ग्रैंड लीग भी विन करी थी। दोस्तों तो इस वीडियो में अपन ग्रैंड लीग विन करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ स्मॉल लीग क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा जो 2019 में फिनिश प्रीमियर लीग खेली गई थी, उसमें प्लेयरों की परफॉर्मेंस को देखते हुए और क्या क्या बैटिंग पोजिशन थे उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बनाएंगे और बहुत अच्छे खासी विन करने की कोशिश करेंगे इस मैच में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों वो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना, नीचे बेल बटन दिखेगा उसको जरूर दबाना, ताकि जैसे ही कोई सी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जैसे कि दोस्तों आपको लास्ट जो मैंने बताया था कि इसकी प्लेइंग 11 आ सकती है, जैसे कि विनसी की 10 मैचेस की आ रही थी वैसे ही इस मैच में भी आ गई थी। तो आपको बस रिकॉर्ड ध्यान में रखने, कौन कौन से प्लेयर के कैसे क्या रिकॉर्ड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन वाले प्लेयर रहेंगे, इंटरनेशनल कौन कौन से प्लेयर है वो सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों जो मैच खेला जाने वाला है SKK और GHG के बीच में खेला जाने वाला है। पिछले सीजन दोनों ही टीमों के 14 मैच हुए थे, जिसमें से SKK 9 मैच जीती थी और 5 हारी थी। वही इनकी बात करें 5 जीती थी 9 हारी थी, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि SKK ज़्यादा बेटर टीम रहने वाली है दोस्तों। और इसके विन करने के एक और चांस ये है, 80% चांस है विन करने का। क्या चांस है आपको बताने वाला हूँ, नीचे वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें जो प्लेयर है, अगर अपन टॉप 10 प्लेयरों की बात करें जो कि हाईएस्ट रन बनाने वाले थे पूरी सीरीज में, उसमें से 4 प्लेयर इस टीम के हैं SKK के, तो ये इसका मेन रीज़न है। और वही बात करें टॉप 10 में एक भी प्लेयर नहीं आता है GHG का, जो कि हाईएस्ट नंबर बनाने वाला था इनकी टीम की तरफ से। तो इस ये रिकॉर्ड वगैरह आपको सब दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों पिच कंडीशन की बात करें तो सेम ग्राउंड पर ही सारे मैचेस खेले जाने वाले हैं। पिच यहाँ की न्यूट्रल है, जैसे कि आपको लास्ट में जो बताया था 130 से लेकर 150 तक स्कोर बन सकता है और 5-6 विकेट एवरेजन गिर सकते हैं दोनों इनिंग से, तो उस तरीके का ही हुआ दोस्तों। विकेट कुछ ज़्यादा ही गिर गए और रन आप देख सकते हो लगभग 150 के नीचे ही हैं दोनों ही इनिंग के रन, और चेसिंग टीम को थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट चेस करना पड़ा दोस्तों। तो इस तरीके से दोनों ही टीमों के मतलब लास्ट मैच जो हुआ था उसमें पिच की कंडीशन रही थी। इस मैच में भी दोस्तों अपन न्यूट्रल विकेट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 150 करीब स्कोर बनेगा और 5-6 विकेट एवरेजन गिरने वाले हैं। दोस्तों अपन एक एक प्लेयरों के 2019 सीजन के रिकॉर्ड वगैरह के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको जो मैचेस इनके हुए हैं हेड टू हेड वगैरह हुए हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए काम करते, पहले अपन यही रिकॉर्ड देख लेते, उसके बाद अपन इनके हेड टू हेड वगैरह की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये प्लेइंग 11 प्लेइंग ऑर्डर रह सकता है, जो मैंने इनके रिकॉर्ड्स वगैरह पुराने देखे उसके हिसाब से मिर्जा जीशान बेग ओपन करते हैं नथान कोलिंस के साथ, पीटर गलनगन 2 डाउन आते थे लेकिन इनके जो एक मेन प्लेयर थे वो इसमें नहीं है, ठीक है। एक और प्लेयर इनके साथ थे लेकिन वो इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है, सो 1 डाउन ये आ सकते हैं। उसके बाद आतिफ रसीद इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, और इस तरीके से इसका बैटिंग ऑर्डर रह सकता है। इन पे जिन पे मार्क करा है ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, और ये आपके लिए अच्छी चॉइस रह सकती है, इनको बिल्कुल ट्राई करिएगा अपनी टीम में। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें आरिफ अब्दुल कादिर की, तो बैटिंग पोजीशन नीचे रहती है इनके, विकेट की सेक्शन में दे रखे हैं। पिछली सीजन में 6 मैचों में 48 रन किए थे। कासिर सिद्दीकी की बात करें तो ये रिकॉर्ड है, 11 मैचों में 94 रन बनाए थे, नीचे बैटिंग ऑर्डर है, और 13 मैचों में 11 विकेट भी इन्होंने निकाले थे। स्ट्राइक रेट एवरेज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, हाइस्ट स्कोर लिखा हुआ है कितना बनाया, तो देखिएगा। ये नथान कोलिंस की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर थे पूरी सीरीज में दोस्तों, और इनकी टीम की तरफ से फर्स्ट थे, ठीक है। और यहाँ बात करें 16 मैचों में 419 रन बनाए थे, हाईएस्ट 89 नॉट आउट था। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो इनकी टीम की तरफ से फर्स्ट मतलब हाईएस्ट रन गेटर थे और पूरी सीरीज में सेकेंड थे। पीटर गलनगन की बात करें 264 रन बनाए थे, 13 मैचेस खेले थे, 9th रन गेटर थे 2019 में दोस्तों, ठीक है। मतलब लास्ट जो सीज़न खेला गया था उसमें ये दो आ गए टॉप 10 के अंदर, नथान और पीटर गलनगन। मिर्जा जीशान बेग जो कि ओपन करते हैं 14 इनिंग में 287 रन थे, 7th हाईएस्ट रन गेटर थे 2019 के, और इनकी टीम की तरफ से सेकेंड थे दोस्तों। वहीं बात करें इनके जैक गुडविल के, तो तीन मैच खेले थे, 13 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला था। तो इस तरीके से इनके रिकॉर्ड है, ऑलराउंडर 6 में दे रखा है, बहुत सारे लोगों इनके साथ गए हैं दोस्तों। तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी टीम में नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड्स वगैरह देख के ही अपनी टीम बनाता हूँ। इनकी बात करें, इनको भी बहुत सारे लोगों ने लिया है, 11 मैचों में 4 विकेट निकाले हैं। इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, दोनों ऑलराउंडर को अधिकतर लोगों ने ले रखा है, मैं अपनी टीम में नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपको लगता है तो आपकी टीम में रख सकते हो दोस्तों, बाकी मैं अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ।
यहाँ बात करें आतिफ रसीद तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर ये थे और थर्ड थे मिर्जा दोस्तों। तो ये चार ऐसे प्लेयर होगा जो कि टॉप 10 2019 में सभी टीमों को मिला के जो हाईएस्ट रन बनाने वाले थे उसमें से चार तो सिर्फ इसी टीम के दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी टीम है ये। वही बात करें तो इस तरीके से इन्होंने दोस्तों 15 ओवर में 10 विकेट भी निकाले थे, 6th रन गेटर थे। राजा वकास की बात करें 14 इनिंग में 16 विकेट निकाले थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल प्लेयर आपको और कौन कौन है बता देता हूँ, पीटर गलहनगन को इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हैं, उसके अलावा बात करें नाथिन कोलिंस भी अच्छे खासे प्लेयर है, मिर्जा जीसन बेग भी दोस्तों इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं तो इनको भी अच्छा खासा नॉलेज है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नीरव शाह इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा, 12 मैच में 15 विकेट निकाले, इन्होंने 14 मैच में 16 विकेट निकाले और ये 15th हाईएस्ट विकेट टेकर थे पूरी सीरीज़ में और ये 12th हाईएस्ट विकेट टेकर थे पूरी सीरीज़ में। इनकी बात करें 10 मैचों में 11 विकेट निकाले, एंड्रयू आर्मिटेज 5 मैचों में 5 विकेट निकाले, खेलने की थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है। जिम हेल्सिंगी जिम खाना की तरफ से बात करें तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर रह सकता है जिसमें पंकज सहारन ओपन कर सकते हैं शाहिद गोंडल के साथ। यहाँ बात करें दोस्तों एकदम फिक्स तो नहीं है लेकिन जो रिकॉर्ड्स वगैरह देखे उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। यहाँ बात करें तो इरफान यूसुफ जाई को बॉलिंग सेक्शन में दे रखा है लेकिन लास्ट के जो मैचेस हुए थे इस टीम के उसमें ये ओपनिंग भी करी थी, वन डाउन भी बैटिंग करी थी, रन को ज़्यादा खास कार्य नहीं थे लेकिन ओपन्स वगैरह में भी इनको बुला रहे थे, अच्छे खासे तेज खेलते हैं दोस्तों तो हो सकता है इनको भी बुला सकते हैं ओपन में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ग्रैंडलिग वाले प्लेयर है, ग्रैंडलिग पर ट्राई करिएगा, बैटिंग वाले दोनों में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अच्छा खासा, बॉलिंग में तो अच्छे खासा बॉलर है ही। साथ ही साथ जावेद जन की बात करें दोस्तों ये भी इनको भी मैंने देखा था कुछ मैचेस में इनको भी ऊपर ऑर्डर पर बुलाया गया था, तो इन दो प्लेयरों पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे प्लेयर है, इनको अपनी टीम में बिल्कुल रख सकते हो, मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये भी। अत्ती रहमान की बात करें ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, 6 मैचेस में मौका दिया गया था, 10 विकेट इन्होंने भी निकाले थे। फैजल शहजाद इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टीम की कैप्टनसी कर रहा है। सिमरनजीत बरार की बात करें हाईएस्ट रन बनाने वाले थे इनकी टीम की तरफ से, नीचे देख ले दोस्तों तो हाईएस्ट रन बनाने वाले थे टीम की तरफ से, 14th हाईएस्ट गेटर थे 2019 की सीरीज में, 231 रन बनाए थे 14 मैचेस में। अहमद जलील की बात करें 11 मैच में 5 विकेट, शाहिद गोंडल ओपन करते थे इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है। मोहम्मद वकास की बात करें 9 मैचों में 8 विकेट। फैजल शहजाद की बात करें दोस्तों हाईएस्ट विकेट टेकर थे पूरी टीम के, 14 मैचों में 16 विकेट निकाले, साथ ही साथ 180 रन भी बनाए थे इन्होंने। पंकज सहारन की बात करें 12 मैचों में 11 विकेट निकाले, साथ ही साथ 114 रन बनाए 11 मैचों में। नौफल खालिद की बात करें 5 मैचों में 2 विकेट। जावेद जन ने 14 मैचों में 3 विकेट निकाले। अत्ती रहमान ने 10 विकेट। वही बात करें इरफान यूसुफ जाई की तो 8 मैचों में 6 विकेट इनके भी थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो आपके काम भी आने वाले, बाकी इन दो प्लेयरों के रिकॉर्ड नहीं मिले, इन्होंने लास्ट सीजन नहीं खेला था और इनका कुछ रिकॉर्ड मिले नहीं मुझे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना और नीचे टेलीग्राम के लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि जैसे कोई सा वीडियो अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और जो भी अपडेट रहे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाए दोस्तों। तो ये कुछ काम आपको कर रहे हैं जो कि आपकी साइड से ज़रूरी है दोस्तों। अब अपन देख लेते जो लास्ट सीजन में हेड टू हेड मैचेस वगैरह हुए थे और जो परफॉर्मेंस हुई थी प्लेयरों की उनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते। तो आपको एक मैच अलग थोड़ा बता रहा हूँ हट के, T10 मैच खेला था 2020 में 29 फरवरी को ही खेला था, सबसे रिसेंट मैच है ये जिमखाना का। तो ये इनका T10 मैच है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, इसका रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। पंकज सहारन ओपन करने आए थे इरफान यूसुफ जाई के साथ, जैसा मैंने आपको बताया बॉलिंग सेक्शन में दे रखे, ओपन भी करा है T10 में, ओपन करा है T20 में, वन डाउन भी बैटिंग करी है इन्होंने। फैजल शहजाद की बात करें तो कैप्टनसी कर रहे थे, इस तरीके से परफॉर्मेंस थी, 13 मैचों में 22 रन बनाए थे, ये इनके विकेट कीपर थे, तो इस तरीके से इनका T10 मैच के रिकॉर्ड थे, ठीक है। T10 इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपके काम में आ सकता है प्लेयर्स वगैरह को जानने में और ज़्यादा। इसमें फैजल शहजाद ने बॉलिंग करी, 2 ओवर पूरे अपने डाले, पंकज सहारन ने पूरे 2 ओवर डाले, इरफान यूसुफ जाई ने 2 ओवर डाले और ये दो प्लेयर्स आए थोड़े अलग हैं, इन पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ बात करें दोस्तों सेकेंड मैच जो कि लास्ट सीज़न का था, 2020 मैच है, 1 सितंबर 2019 में खेला गया था, शाहिद इरशाद ओपन कर रहे थे, इरफान यूसुफ जाई ने इस मैच में भी ओपन करा, इस चीज़ का देख लीजिए। लास्ट रिसेंट मैच था 2019 का, मतलब जो लास्ट मैच खेला गया था फिनिश प्रीमियर लीग का वो वाला मैच आप समझ सकते हो। इन्होंने वन डाउन बैटिंग करी और ये अब्दुल रहमान है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर थे लेकिन इस बार स्क्वाड का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, अगर खेलते तो जरूर अपनी टीम में होते और कैप्टन भी बना सकते थे। पर बरार सिमरनजीत की बात करें तो 28 रन बनाए थे 36 गेंदे खेल के। अत्तीउर रहमान की बात करें दोस्तों लास्ट के कुछ मैचेस खेलने आ गए तो पूरे 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले। जो फैजल शहजाद की बात करें इस तरीके की परफॉर्मेंस थी, इरफान यूसुफ जाई के देख सकते हो 3 मैचों में 1 विकेट,
गुलाम मोहम्मद और इसके अलावा जावेद जैन अब्दुल ने 3 ओवर में 3 विकेट निकाले। पंकज सहारन ने भी बॉलिंग करी थी, ये परफॉर्मेंस इनकी रही थी। तो पंकज सहारन भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं साथ ही साथ ओवर भी डाल रहे हैं, इन पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ अपन बात करें तो ये इनके थर्ड मैच की मतलब लास्ट सेकेंड मैच की रिकॉर्ड है फिनिश प्रीमियर लीग 2019।